सोलन में टू व्हीलर्स पर केवल चालक बैठ सकता है, लेकिन उसके पीछे उसके परिवार का सदस्य भी बैठ नहीं सकता है, जिसके लिए सोलन वासियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार के लोगों की दिनचर्या के कार्य भी इस नियम से प्रभावित हो रहे हैं। नियमानुसार पति पत्नी भी टू व्हीलर पर एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन दूसरी और बसों में कोई भी अजनबी बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के एक साथ बैठ सकता है, जो सरासर गलत निर्णय है। ये बात शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार तर्कसंगत निर्णय नहीं ले रही और दोहरे मापदंड अपना रही है, जिसका शहरी कांग्रेस विरोध करती है। सोलन शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने कहा कि देश में कोरोना संकट चल रहा है, जिसके चलते जो भी नियम प्रदेश की सरकार ने बताए उनका हिमाचल की जनता ने बखूबी अनुसरण किया और इन नियमों का शहरी कांग्रेस ने कोई भी विरोध नहीं किया, लेकिन अब प्रदेश सरकार नियमों के नाम पर दोहरे मापदंड अपना रही है तो उन्हें मजबूरन उनका विरोध करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूरी क्षमता पर बसें चलाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन टू व्हीलर पर अभी तक दो सवारियां बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है, जिसकी वजह से परिवार के सदस्य जो एक साथ रहते हैं वे किसी भी जरूरी कार्य के लिए टू व्हीलर पर एक साथ बैठ नहीं पा रहे हैं। गाँव के लोग आपातकाल समय में अगर अस्पताल आना चाहते हैं तो वे भी आने में असमर्थ हैं, और अगर वे आ जाते हैं तो उनका भारी भरकम चालान काट दिया जाता है। इसलिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को चाहिए कि वे टू व्हीलर दो व्यक्तियों की बैठने की अनुमति प्रदान करें। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल कोविड-19 का महामारी चली हुई है और सभी लोग एहतियात बरत रहे हैं, परंतु सरकार ने जो अभी अभी ये निर्णय लिया है कि 100% के साथ जो है बसों की सवारियों को भरा जाएगा और पूरी कैपेसिटी के साथ जो है वो बसें चलाई जाएगी, तो हमारा ये मानना है कि जब बसेस के अंदर पूरी कैपेसिटी के साथ बसेस चल सकती हैं जिसमें लगभग लोग अनजान लोग ही बैठते हैं, तो क्यों नहीं एक स्कूटी के ऊपर भी एक परिवार के दो लोग बैठ सकते हैं, तो क्यों नहीं एक गाड़ी के अंदर भी जो है चार लोग एक ही परिवार के नहीं बैठ सकते जबकि वो एक ही घर में रहते हैं। हमारा प्रशासन से ये अनुरोध है कि जब बसों को भी 100% कैपेसिटी के साथ चलाया गया है, तो ये पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पर हर जगह ऑटो नहीं जाते हैं, हर जगह बसेस की सर्विसेज नहीं है, कई जगह सिर्फ टू व्हीलर्स की आने जाने की छोटी छोटी सड़कें होती हैं, तो आजकल ये बहुत सी दिक्कत हमारे सोलन में ये आ रही थी कि अगर डबल राइड पे हस्बैंड एंड वाइफ भी चल रहे थे तो उनका 2-2 हज़ार का चलान काटा जा रहा था। अगर दोनों पति पत्नी कहीं काम करते हैं तो वो इकट्ठे एक स्कूटी पे आते थे तो उन्हें आज की डेट में बहुत मुश्किल हो रही थी, परंतु फिर भी कोविड-19 को देखते हुए हमने अभी तक इस बात को नहीं उठाया था, परंतु अब जब हम देख रहे हैं कि सरकार ने 100% कैपेसिटी के साथ बसों को जब आदेश दे दिए हैं तो क्यों नहीं एक परिवार के लोग एक गाड़ी में या एक स्कूटी के ऊपर इकट्ठे जा सकते हैं। देखिए, ये बड़े दुख की बात है। मैंने जैसा कि अभी पहले भी कहा कि हमने विरोध नहीं किया इस बात का अभी तक, वो इसलिए कि प्रशासन जो भी नियम बना रहा है हम उसके साथ चल रहे हैं, पर जहां पर प्रशासन डबल स्टैंडर्ड अपनाएगा हमें वहां पर विरोध करना पड़ेगा। अगर आपने बसेस को 100% कैपेसिटी के साथ चलाने का फैसला ले लिया है तो आपको स्कूटी और बाइक्स के ऊपर भी जो है वो सभी को बैठने देने से कोई इतराज़ नहीं होने देना चाहिए। ऑटो में भी अगर 3-3 लोग बैठ रहे हैं तो उसमें भी कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी बस की सीट पर 3 लोग बैठते हैं उतनी ही बड़ी सीट ऑटो की भी होती है, तो उन ऑटो वालों की जेब के ऊपर क्यों आप छुरी चला रहे हैं जब अगर आप बसों को जो है पूरे 100% कैपेसिटी पर चला रहे हैं। वैसे तो मैं कहना चाहूँगा अभी इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए थी, और जो बसों को 100% कैपेसिटी के साथ जो चलाया गया है कहीं ना कहीं आम जनमन में ये बात भी है कि ये ठीक निर्णय नहीं है, अभी इसको थोड़ा और डिले किया जा सकता था। और देखिए, बसेस जो है एक जिले से दूसरे जिले में जाती हैं तो इससे ज़्यादा फैलने का जो खतरा है कोरोना का रहता है, और हालांकि जो हमारे बाइक हैं, जो हमारे स्कूटीज हैं, जो हमारे ऑटोज हैं, ये तो शहर के अंदर ही चलते हैं, तो शहर के अंदर चलने के लिए अगर 100% कैपेसिटी दी जाती तो मुझे लगता वो ज़्यादा बेहतर होती बजाय इसके कि जिले से जिले जाने के लिए बसों में जो है वो 100% कैपेसिटी की गई है। पर जब सरकार जो नियम बना रही है और हिमाचल की जनता उसे बड़े आदर मान के साथ निभा भी रही है, पर मेरा फिर से वही मानना है कि डबल स्टैंडर्ड में सरकार ना चले। अगर बस वालों को 100% कैपेसिटी है तो फिर ऑटो वालों को क्यों नहीं है? अगर बस वालों को 100% कैपेसिटी है तो एक ही घर में रह रहे मियां बीवी को क्या एक ही स्कूटी पे जाने का हक नहीं है? इस तरह किस कैसे डबल स्टैंडर्ड से सरकार जो है आमजन का फायदा कर रही है।